माय न्यू व्लॉग गाइस। और सुबह के बज रहे हैं 7:20 और देव आ चुका है खेल के, देखिए, क्योंकि ये चला गया था 6 खेलने और अभी अभी आया और अब जाने वाला है ट्यूशन और मेरी क्लास भी चल रही है। अभी अभी वर्कआउट खत्म हुआ है, एफ्रेश बन के आ चुके हैं गाइस। आप भी अपनी चाय एंजॉय कर सकते हैं या फिर अपने हेल्थ इशू को ठीक करना चाहते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस अपनी क्लास कर लेती हूँ और देव जाने वाला है ट्यूशन, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में वापस से आपको। देव रेडी हो चुका है ट्यूशन के लिए और ये जा रहा है ट्यूशन क्योंकि 7:45 से का ट्यूशन है और 10 रह गए हैं कुल, और देव थोड़ा सा लेट हो गया है और देव जल्दी जल्दी कर रहा है। बाय देव, और ध्यान से बेटा है, चलो बाय। और मैं वापस से अपनी क्लास ज्वाइन जो मैंने कर रखी है कर लेती हूँ। गाइस चेक मेरा बन के आ चुका है, तो गाइस देव आ चुका है ट्यूशन से और मैंने उसके लिए बना दिया है पोहा ब्रेकफास्ट में और ये थोड़ा सा अपने लिए रखा है। और देखिए क्योंकि इसे सॉस वाला पसंद है, ज़्यादा सॉस वाला, और ये हरी ना प्याज डालते हैं इसमें ना इसमें मूंगफली डालते हैं, तो ऐसे ही खाता है ये, तो इसके लिए अलग से बनाना होता है इसलिए। तो आज खाएगा देव पोहा ब्रेकफास्ट में। हाँ। और डालना है सॉस, ठीक है, और डालना है। मिक्स तो करो, देखो नीचे डाल दिया बेडशीट पे, अच्छे से खाओ। सो गाइस ये अपना पोहा खा लेता है, मुझे तो इसमें थोड़ी सी मूंगफली डालनी पड़ेगी क्योंकि मुझे तो बिना मूंगफली का पोहा बिल्कुल भी नहीं भाता है। सो गाइस जितना पोहा मैं खाने वाली हूँ, मैंने इसमें डाल ली अपने लिए मूंगफली जो कि मैंने थोड़ी सी फ्राई करी थी 5-6 बस, और ये मैं खाने वाली हूँ। सो गाइस हमारे मंदिर में आ गई है बहुत सारी डस्ट, देखिए धूल पड़ी है बहुत सारी, तो मैं आज कपड़ा चेंज करने वाली हूँ और मंदिर पूरा साफ करने वाली हूँ अच्छे से क्योंकि धूल बहुत सारी दिख रही है इसमें। तो कर लेते हैं गाइस सफाई अब। गाइस हमने मंदिर की देखिए सफाई कर ली है, सारे कपड़ा चेंज कर दिया है, पूजा भी हो गई है हमारी, और मैं 2 से सोच रही थी मंदिर को क्लीन करना है लेकिन आज मैंने कर दिया है। जय महादेव। अब अपने डेली रूटीन के काम कर लेते हैं, जाके मुझे प्रेस करनी है। देखिए पूजा तो हो चुकी है हमारी और प्रेस के बहुत सारे कपड़े पड़े हैं गाइस आज फिर से, देखिए इतने सारे कपड़े हैं जो मेरे को प्रेस करने हैं और जो नई प्रेस लाए थे उससे प्रेस करने वाली हूँ मैं, तो प्रेस कर लेते हैं हम जल्दी से। तो गाइस हम चले गए थे फ्रूट लेने में और आदेश जी, और अब देखिए आदेश जी के लिए लग चुका है खाना, दही और जो मैंने कटहल बनाया था कल जो हमने नहीं खाया था, और पूड़ी, और उन्हें खाना दे देते हैं। और देखिए इधर जो मैं फ्रूट लेके आई हूँ, केले, आड़ू और तरबूज, खरबूजा और ये, और दही लाए थे, और देव का थोड़ा सा सामान भी था प्रोजेक्ट का, वो लेने गए थे हम दोनों क्योंकि धूप बहुत तेज है तो इसलिए इनके साथ ही मैं गई थी। तो खाना दे देते हैं गाइस अब। तो गाइस दोपहर के 2:30 बज गए हैं और हमने खाना खा लिया है, अभी अभी खाना खाया है हमने। और देखिए हम क्या देख रहे हैं टीवी में, ये कोई गेम का नया वो आया है प्रोग्राम सा, सीजन 3 है, और इसमें मेरी पसंद का एक दो गेमर, जैसे कि टेक्नो गेमर मुझे पसंद है, एल्विस भी ठीक ठाक है मतलब, और इसे तो मैं जानती नहीं बेचारे को और मैं देख रही हूँ आज ये जिसे गेम पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छे लग रहे हैं टेक्नो गेमर, मुझे बहुत मासूम सा लगता है, अच्छा लगता है, तो मैं इसके सारे वो देखती हूँ जितने भी उसके आते हैं गेम्स के, गेम नहीं देखती उसका बस, मैं उसे ही देखती हूँ, वो बच्चा सा लगता है बिल्कुल। हाय 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 हाय। सो गाइस अभी मैं बस प्रेस करूँगी अम्मे बैठ के क्योंकि शाम को मैं देव को कहीं छोड़ने जा रही हूँ, कहाँ देखते हैं, शाम को इसकी एक नई क्लास चालू करवा रहे हैं तो वहाँ जाएंगे हम बात करने के लिए, तो इसलिए प्रेस अभी करनी पड़ेगी मुझे। तो गाइस काम कर ले, काम कर ले काम। सो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस शाम के 6 बज गए हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था देव का नया ट्यूशन लगाना है, तो हम जा रहे हैं ये बात करने के लिए जा रहे हैं आज, और चलते हैं फिर, और मेरी अप्रेश फिर तो गाइस प्रेस में कर चुकी हूँ आज बहुत सारी और थक गई हूँ, और फिर उसके बाद मैंने प्रेस पी, और देखिए मेरे 3 ग्लास रखे मैंने प्रेस करते हुए, ये और ये पिया, और अभी ये वाला मैंने पिया जूस का जो कि देव लेके आया था बना के, नींबू लगा के बड़े अच्छे से डेकोरेट करके, और मैं आपको दिखाना भूल गई, बड़े सुंदर से लाया था लेकिन वो। तो अब चलते हैं रानीपुर मोड़ गाइस। सो गाइस हम आ गए हैं विशाल मेगा मार्ट के अंदर और देखिए यहाँ बहुत सारी क्रोकरी है, और मैंने पहले ही ऑलरेडी 2 ले लिए क्योंकि सुबह मेरी बोतल टूट गई थी पानी की, और ये मेरे हाथ में है सारा सामान,
उठा ले उठा ले, एक बाल्टी भी मिलेगी क्या साथ में? सामान के साथ में बाल्टी ये रखो सीधे करके, नीचे पता चल जाएगा। चलाकी देख इनकी। हाँ बाल्टी ले लो, बाल्टी और बाल्टी नहीं देंगे उस सामान। ये यार तू तोड़ देगी ना। अब ठीक है, अब तू उठा के ले रख इन सबको, ठीक है? तो माया मेरा सामान उठा के चल रही है। माया किचन किचन के हैंड टॉवल। तो गाइस डिनर में बन रहा है हमारे यहाँ भिंडी, और जो कि मैं अभी अभी खरीद के लाई थी जब मार्केट से आई थी। और देखिए देव को छोड़ के आई तो उधर से दो बोतल लाई हूँ, दो ग्लास लाई हूँ नए मग जो कि मेरे एफ्रेश के हैं, वो भी पुराने हो गए थे थोड़े से, और दो बोतल, क्योंकि बोतल सुबह हमारी पानी की टूट गई और वहाँ मुझे विशाल मेगा मार्ट में सुंदर सी बोतल दिख गई, तो मैंने दो बोतल खरीद ली कांच की। और गाइस अब खाना बना देती हूँ फटाफट से, और फिर देव क्योंकि अभी तक आया नहीं है ट्यूशन से, और 8:30 बज चुके हैं, आने ही वाला होगा। सो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस खाना बना लेते हैं, और आदित्य जी के लिए प्लेट लग चुकी है, देव के पापा के लिए, और रोटियां बना रही हूँ बस। और 10:15 बज गए हैं क्योंकि आदित्य जी आए हैं लेट, तो अब हम खा लेते हैं खाना। और लाइट थोड़ी कम पड़ रही है तो लाइट ऑन कर लेते हैं। तो देव खाना खा नहीं रहा है क्योंकि हमने बनाई है भिंडी, इसका रोज का सेम काम है कि भिंडी नहीं खानी मेरे को, लौकी नहीं खानी, तोरी नहीं खानी, अब मैं क्या करूँ? कल क्या खाएगा, राजमा बना दूँ? So guys, खाना हमारा हो गया है और हम रोज शॉपिंग कर रहे हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और हम देखने लगे हैं मैच बैठ के। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी, तो आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियोस को एंड तक देखना है। तो लेती हूँ आपसे विदा, ओके बाय बाय, गुड नाइट।